बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू वर्बुक निकालिए। सफ़ा नंबर 40 खोलिए। आइए पहले दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बेटा, हमने सीन, शीन, स्वाद, ज़ुआद, ऐन, गैन की आदि अशकाल को पढ़ा था, आज हम इसको लिखना सीखेंगे। देखें, सीन है, पहले हमने एक दो शोशे बनाए और एक बड़ा कर्व बनाया था। इसी तरह हम सीन की आधी शक्ल को पहले दो शोशे बनाएंगे और बड़ा कर्व बनाने के बजाय यहाँ आके छोड़ देंगे। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं। एक, दो और आगे आके इस तरह स्टॉप। स, फिर से लिखते हैं। एक, दो और आगे आके स्टॉप। स, ठीक है बेटा। ये क्या है? शीन। शीन की आदि शक्ल शा। शा भी हम इसी तरह लिखेंगे। एक, दो और आगे आके स्टॉप। श के ऊपर तीन नुक्ते। फिर से लिखिए। एक, दो और नीचे आके लाइन से टच करके स्टॉप। श के ऊपर तीन नुक्ते। श। स्वाद, स्वाद की आदि शक्ल सौ। अब सौ किस तरह लिखेंगे? जैसे हम स्वाद के लिए घुमाते हैं, इस तरह हमने घुमाया, ऊपर आए और नीचे आके रुक गए। स्वाद की आदि शक्ल सौ। फिर से लिखिए। पहले हमने स्वाद की तरह इस तरह बनाया और फिर ऊपर जाके नीचे आके रुक गए। सौ। अब ये क्या है? ज़ौद। ज़ौद की आदि शक्ल ज़ौ। ज़ौ भी ऐसे ही लिखेंगे हम। पहले ज़ौद की तरह बनाया, ऊपर गए और नीचे आके रुक गए। ज़ौ के ऊपर एक नुक्ता। फिर से लिखिए। पहले हमने ज़ौद की तरह इस तरह घुमाया, ऊपर गए और नीचे आके रुक गए लाइन से टच करके। ज़ौद के, ज़ौ के ऊपर एक नुक्ता। एन, एन की आदि शक्ल अ। आ भी हम किस तरह लिखेंगे? पहले हमने एन की तरह घुमाया और एक स्लांटिंग लाइन और थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया, एन। ठीक है, फिर से हमने एन की तरह घुमाया, फिर एक स्लांटिंग लाइन और थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया, आ। गैन, गैन की आदि शक्ल गौ। गौ को भी हम गैन की तरह लिखेंगे। इस तरह से ये शोशा बनाया और नीचे स्लांटिंग लाइन और ऊपर सा थोड़ा सा घुमाया। गौ के ऊपर एक नुक्ता। फिर से लिखिए। गैन की तरह इस तरह घुमाया, फिर एक स्लांटिंग लाइन और थोड़ा ऊपर सा घुमा दिया। गौ के ऊपर एक नुक्ता। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप स, श, स, ज, अ, गौ, ठीक है, इन आदि अशकाल को अच्छे से लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नीचे क्या है? दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। दी गई तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। जी बताइए, कौन सी तस्वीर है? कौवा। क्या है? कौवा। अब कौवा में शुरू की आवाज़ पहचानिए, क्या आ रही है? कौवा, कौवा, का की आई ना, क्या लिखेंगे? काफ। ठीक है बेटा, काफ, काफ, का कौवा। ये कौन सी तस्वीर है? हार, हार। इसमें किसकी आवाज़ आई शुरू में? हार, ह की आई ना, तो हम इसमें हे बनाएंगे, ये वाला हे, हे, हार। ठीक है, ये कौन सी तस्वीर है? मछली, मछली। इसमें शुरू की आवाज़ पहचानिए, मछली, मछली, म की आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे? मीम। ट्राइंगल बनाया, आगे आगे अलिफ, मीम। ठीक है, काफ, का कौवा, हे, हार, मीम, म, मछली। ठीक है बेटा, इस सफ़े को इसी तरह आप मुकम्मल कीजिएगा, आधी अशकाल को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।